स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड डीजीटी। आज एडर जूनियर सुपर टेट का हमारी जो 30 डेज टारगेट क्लास थी उसकी 7वीं क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है साधारण मानव में गुण सूत्र होते हैं, तो गुण सूत्रों की संख्या बतानी है, 46 होती है। और जोड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, जोड़े में अगर पूछा जाए तो 23 है और वैसे कितने हैं, 46 है। इनमें से क्या होता है, 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम्स और एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, इसके बाद है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो ये है उत्परिवर्तन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते हैं, छिपकली में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्यों, क्योंकि सेलवॉल के कारण इसमें सेलवॉल होती है, जबकि जंतु कोशिका में सेलवॉल नहीं होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सेल्यूलोज की बनी हुई सेलवॉल, जंतु कोशिका में सेलवॉल नहीं पाई जाती है या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जैव कोशिका का वह भाग जो कोशिका का पावर हाउस शक्ति स्रोत कहलाता है, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। फिर है प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसमें भूमिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। ठीक, इसके बाद लसिका कोशिकाएं बनाती हैं दिल्ली में, सॉरी लसिका कोशिकाएं बनती हैं दिल्ली में। फिर है नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बट ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 65 से 70%, और अधिकतर जो आंसर होता है वो 70% में ही दिया रहता है। ठीक है, इसके बाद है लौह, सोडियम, ऑक्सीजन और आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो है कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे आधा थोड़ा सा कटा है। मानव शरीर, वयस्क मानव में हड्डियां होती हैं या शरीर में हड्डियां होती हैं कितनी, 206, तो ये तो सबको लगभग पता ही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, और मनुष्य की खोपड़ी में होती है 28 अस्थियां होती हैं, और अगर हाइराइड को मिलाया जाए तो 29 अस्थियां हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर है मानव शरीर में पसलियों के जोड़े, तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। फिर जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है आर्थोप्लास्टी, तो आर्थोप्लास्टी क्या है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है। कशेरुक रज्जू, कशेरुक रज्जू या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। ठीक, तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि आप रेगुलर ये जो भी 5 से 10 मिनट की मैक्सिमम क्लासेस होती हैं, तो इनको आप ज़रूर देखिए, एटलीस्ट 30 डेज देखिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।